कट्टू रहे थोड़ा बड़ी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दिन रविवार का, आज गिर रही है हमारे बर्फ झमाझम, और ये मैं जा रहा हूँ अपने घर से थोड़ा बाहर अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए। और ये देखिए बर्फ का बेहतरीन नज़ारा, और मेरे साथ है मेरे भांजे मोहित चौहान जी। मोहित जी आ गया, ये आ गया कि वीडियो का गया, चलिए इसे करता हूँ बैक कैमरा करता हूँ एक मिनट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं गाय को पानी पिलाने के लिए। ये मेरे साथ है हमारा शक्ल दस्तों भी बहुत बड़ी क्या करा तू। हाँ मेरे साथ है मोहित जी, ये देखिए चलिए। यहाँ लकड़ी इकट्ठा करते हो दादू जी, ये देखिए। और दादू कैसा फील कर रहे हैं आप बर्फ में? बर्फ में अच्छा फील कर रहे हैं, इस बार पहली बार मौसम ऑसम हो गया, ऑसम हो गया। और आंटी बर्फ, आंटी लकड़ी इकट्ठा करते हुए कैसा लग रहा है आंटी आपको? बहुत अच्छा है। हाँ। बर्फ में मजा आ गया? मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। और ठंड कैसी है? ओए भाई गिर ना जाए बस कहीं। तो देखिए दोस्तों ये बर्फ का बहुत ही सुंदर नजारा। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाय को पानी पिलाने के लिए। तो जैसा आप सबको पता है कि बर्फ में पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, या मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब स्नोफॉल होती है तब टेम्परेचर जो है पानी का बहुत कम रहता है और जमा हुआ रहता है। इसलिए देखिए मैं अपने साथ ही गर्म पानी की बाल्टी भी ले जा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी गाय को थोड़ा गुनगुना पानी पिला सकूँ। ये देखिए ये ऊपर मेरी गौशाला है, ये देखिए अभी बर्फ झमाझम गिर रही है। तो अगर आप भी बर्फ का एंजॉय लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के। ये देखिए मेरे साथ मेरे भांजा मोहित चौहान है। हाँ जी मोहित जी, क्या कहना चाहते हैं आप बर्फ के बारे में? यहाँ देखिए कैसा लग रहा है आपको? यहाँ देखिए सर, नहीं देखना, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपको मिलाऊंगा मैं अपनी गाय से। तो देखिए रास्ते कितने स्लिपरी है, बर्फ का एक अलग ही मज़ा है, लेकिन ये मज़ा कुछ समय तक ही रहता है। जैसे आप थोड़ा ज़्यादा समय बर्फ़ में बिताएंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ फिर खलने लग जाएगी।
ये मेरी गौशाला है जहाँ मैंने अपनी गाय को रखा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं अपनी गाय। और अभी मुझे गाय को पानी और घास डालना है। खोल मोहित, दरवाजा खोल। हाँ ये देखिए, ये मेरी गाय है। और मेरी गाय, हेलो हेलो रानी, हेलो। मेरी गाय का नाम रानी है। ये देखिए देखिए, पानी के लिए पानी मांग रही है अभी गाय मेरी। तो अभी मैं इसको पानी पिलाऊंगा। अभी कैमरा मोहित होल्ड करेगा। ले पकड़ भाई, ढंग से पकड़ियो। सुहाना सफर और ये मौत। तो ये देखिए, ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कर रहे हैं ताकि गाय को पानी पीने के लिए बिल्कुल नॉर्मल लगे। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं, गाय को पानी पिला रहे हैं। साथ में ब्लॉग कर रहे हैं। ये लो, गुरुद्वारा नंत्र है कैमरा। वीर वीर बेर गिल। ये मेरी गाय पानी पीते हुए। और ये देखिए, ये जमा जम गिरती हुई बर्फ। तो गाय जी, हम दे रहे हैं गाय को कुछ हरी पत्तियां और साथ में कुछ सूखा घास जो हमने गर्मियों में इकट्ठा करके रखा होता है। तो आपको ये देखिए, ओ तेरी, तो गाय ये दे दिया हमने अपनी गाय को घास। तो गाय अब हमारी प्यार से घास खा रही है। तो अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। चलिए, बाल्टी कौन लेके जाएगा भाई? हैं, ये बाल्टी, खाली बाल्टी, ये वाली जा। तो गाइस ये हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं रास्ता कितना स्लिपरी है। अगर आप ढंग से नहीं चलेंगे तो आप यहाँ पे गिर भी सकते हैं। तो देखिए, मोहित आगे पहुँच चुका है और मैं पीछे से थोड़ा आराम से चलाऊँ। जहाँ पे मोहित का घर है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कम गिरती है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो अभी जो बर्फ़ गिरी है, हार्डली 1 इंच बर्फ़ गिरी हुई है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी है क्योंकि कंटिन्यूस 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। ओ, गिरा भाई, बच गया भाई। दोस्तों, अभी गिरने से मैं बाल बाल बचाऊँ। तो और ये हमारे साथ एक और मित्र जुड़ते हुए। ये देखिए दोस्तों, बर्फ। ये देखिए दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी का इससे ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सुंदर नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं जिंजैली वैली को। और दोस्तों, हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, दो महानुभाव और है। एक है हमारे, ये देखिए, एक है हमारे वंश राजपूत जी और दूसरी हमारी मैक चौहान जी। हाँ जी, मैक चौहान जी, ये देखिए वंश के। अरे ओए,
डैडी कहाँ गया? लंबा साथ। क्यों? पता नहीं। पता नहीं? लगता है इधर नहीं पतली लाई है। अरे यहाँ को रुकी मैं जल्दी। हाय कैसा लगा? मारा बर। बना ऊपरी ओपन है। बना ऊपरी ओपन। मैं कर रहा हूँ अंदर। हेलो तो दोस्तों, ये हूँ मैं अपने घर में और ये देख सकते हैं आप बर्फ का नज़ारा बहुत ही खूब। और ये नीचे सड़क में लगी हुई है मेरी बुलेट, तो आप देख सकते हैं सड़क भी अभी पूरी तरीके से जम चुकी है, तो अभी इस पर ड्राइव करना भी बहुत टफ है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बर्फ अभी तक हमारे यहाँ पे कितनी गिर चुकी है। ये देखिए, ये देखिए अभी बर्फ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी देखिए बर्फ अभी कंटिन्यू हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। और हाँ, अगर आपको मेरी अगली वीडियो की अपडेट चाहिए हो तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।